दोस्तों दामोदर बाल गणेश और ये सबसे बड़ा मैं बोलूँ तो मोटा जो है चौड़ाई में सबसे बड़ा मूर्ति है भाई साहब। उसके सामने में एक बच्चे को देखिए कितना छोटा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए ये मूर्ति कितना बड़ा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आदित्य हिंदू में। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ औंधी गाँव का मूर्ति दिखाने के लिए पूरा पेंटिंग हो जाने के बाद। दोस्तों औंधी गाँव की बात करूँ तो बहुत ही यूनिक मूर्तियाँ यहाँ पर बनती है। अभी फिलहाल हूँ दोस्तों मैं गिरधर तिलक चक्रधारी जी के यहाँ, जो कि बहुत ही बड़ी और यूनिक मूर्तियाँ बनती है। दोस्तों अंदर जाएंगे अभी सारी मूर्तियाँ देखेंगे, पूरा पेंटिंग हो गया है और एक मूर्ति यहाँ पे जो सबसे बड़ी है वो मूर्ति निकल भी रही दोस्तों, क्रेन से उठाई जा रही है। तो दोनों मूर्तियों को देखेंगे, दोनों वीडियो को देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है ट्रेलर, इसे भी अभी बड़ी मूर्ति को लेकर जाया जाएगा वो मैं दिखाऊँगा। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए मूर्ति को ले जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वहाँ पे क्रेन भी आ गया है दोस्तों। क्रेन से मूर्तियों को उठाया जाएगा और यहाँ पे डीजे भी है दोस्तों, देख लीजिए डीजे के साथ बाजे गाजे के साथ मूर्ति को ले जाया जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, आइए देखते हैं अंदर। और दोस्तों काफ़ी लोग आए हुए हैं मूर्ति को निकालने के लिए, लेकर जाने के लिए। दोस्तों औंधी गाँव में हूँ मैं अभी और दोस्तों यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं भाई, और अभी आपको देखने को मिलेगा कि क्रेन से किस तरीके से मूर्तियों को उठाकर लेकर जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जगह कमी हो रही है, और यहाँ पे देखिए बाप रे क्या तगड़ा मूर्ति है भाई एंट्री करने पे। ओह माय गॉड, इतना बड़ा मूर्ति भाई, तगड़ा यार। इधर देखिए भाई साहब 15 से 17 फीट का होगा ये, 17 से 20 तो बोल ही दूँ। और यहाँ पर मैं चप्पल उतार देता हूँ दोस्तों, और आइए देखते हैं सारी मूर्तियाँ एक के बाद एक। ये मूर्ति देखिए दोस्तों तगड़ा है भाई, जो कि नटराज के थीम पर बनाया गया है दोस्तों। नटराज पीछे में शंकर जी है, देखिए बड़े शंकर भगवान पीछे में जो कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है दोस्तों। और ये 20 फीट का तो होगा ही होगा, और देखिए इसके सामने में इंसान कितना छोटा छोटा है। और वो मूर्ति देखिए दोस्तों बहुत बड़ा साध वो अभी निकलने वाली है। और पीछे में है एक मूर्ति जो कि ब्लैक कलर और येलो कलर का थीम पे बनाया गया है दोस्तों, कलर पे देखिए। और पूरे बॉडी पे छोटी छोटी मूर्तियां हैं उस पर। जस्ट बगल में एक और मूर्ति है दोस्तों, आइए देखते हैं ये किस थीम पर बनाया गया है। ये देखिए भाई साहब, ओह माय गॉड, इतना बेहतरीन मूर्तियां हैं यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब। वैसे तो मैं औंधी पहली बार आया हूँ दोस्तों, यहाँ की मूर्तियाँ देख के तो कुछ बोल ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए सांप ही सांप है, पूरे सर पे पूरे शंकर जी हैं। आइए नजदीक से दिखाता हूँ, पूरे बॉडी पे देखिए दोस्तों सांप है, ये देखिए पूरे बॉडी पे। और ये जो है जटा है इनका महादेव का, और सिर्फ सूट से गणेश जी है, बाकी पूरा बॉडी से शंकर जी दोस्तों। देखिए त्रिशूल है और ऊपर में बहुत सारी सांप जो है लटका हुआ है। और जस्ट अपोजिट में है दोस्तों दामोदर बाल गणेश, और ये सबसे बड़ा मैं बोलूँ तो मोटा जो है चौड़ाई में सबसे बड़ा मूर्ति है भाई साहब। उसके सामने में एक बच्चे को देखिए कितना छोटा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए ये मूर्ति कितना बड़ा है, तगड़ा लग रहा है यार। और पूरा पेंटिंग हो गया दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी क्रेन आ रही है उस मूर्ति को उठाने के लिए, देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों इस मूर्ति के बाद, आइए अगला मूर्ति देखते हैं कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये जी राम जी के थीम पे बनाया गया है, जो कि वन में धनुष पकड़ के जो कि खड़े हैं, पूरा शरीर से राम जी हैं लेकिन सूर से जो है गणेश जी हैं। इसके अपोजिट में दोस्तों ये मूर्ति है, जो कि पूरा कंप्लीट हो गया है और इसको प्लास्टिक से ढक दिया गया है, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया है यार, क्या मतलब कि धूल डस्ट बैठेगा। इस कारण यहाँ पे लगातार 3 मूर्तियाँ हैं जो कि ढक दिया गया है, क्योंकि कम्प्लीट हो चुका है। इधर भी मूर्तियाँ हैं दोस्तों जो कि पूरा हो गया है तो ढक दिए हैं इसको। देखिए सोफे पे बैठे हैं, ये शिवलिंग बैल पे बैठे हैं, पीछे शिवलिंग है। और ये देखिए दामोदर दामोदर मूर्ति है, देखिए भाई साहब ये मूर्तियाँ इतनी बड़ी है दोस्तों। मैं आपको वाइड एंगल करके दिखा रहा हूँ, फिर भी कैमरे पे कवर नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए और भी मूर्तियाँ जो कि पन्नी से ढक दिया गया है, क्योंकि ये कम्प्लीट हो गया है दोस्तों। और इधर देखते हैं, आइए ये वाला मूर्ति देखिए, पूरा रेड कलर में भाई, यूनिक लग रहा है यार। प्लास्टिक से ढक दिया गया है, वरना बहुत यूनिक लगता, अगर खुला रहता तो मैं आपको दिखाता, आपको भी बहुत मज़ा आता। इधर दोस्तों और भी मूर्तियां हैं, लेकिन ये सब मूर्तियां
देखिए ये सब मूर्तियाँ बाद में निकलेंगी, वो उधर की मूर्तियाँ पहले निकलेंगी। और इधर देखिए दोस्तों, ये भी पन्नी को से ढक दिया गया है। इधर जो कि दुर्गा माता की मूर्तियाँ दोस्तों, अभी गणेश के बाद तुरंत दुर्गा माता का टाइम आ जाएगा। और देखिए इनका जो बोर्ड है यहाँ पे है, मूर्तिकला केंद्र मूर्तिकार गिरधर तिलक चक्रधारी। आपको कांटेक्ट करना रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना रहेगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरा लाइन है जो कि इधर की मूर्तियाँ जो है, दुर्गा माता की मूर्तियाँ जो है बन रही है दोस्तों। तो दुर्गा माता की मूर्तियाँ अभी नहीं देखेंगे क्योंकि दुर्गा का समय अभी नहीं है दोस्तों। तो देखिए पूरा मूर्ति कंप्लीट हो गया है दोस्तों, देखिए। दोस्तों फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लास्टिक से ढक दिया गया है, फिर भी आपको एक एक नज़र डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों इस मूर्तियों को। ये देखिए, ये राधा कृष्ण के थीम पे है। ये बंसी पकड़ेंगे, फिलहाल अभी बंसी नहीं पकड़ा है दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों, ये देखिए पूरे हीरे मोती से सजाया गया है यार, पूरे बॉडी को। साथ में रिद्धि सिद्धि मैया है, पूरे सर से लेकर पाँव तक देखिए दोस्तों, हीरे मोती से सजाया गया है, एकदम चमकेगा यार जिस भी पंडाल में बैठेगा। और पीछे में जो है वो बालाजी का जो रहता है ना दोस्तों माला, कुछ इस तरीके से सजाया गया है देखिए। और इस मूर्ति को देखते हैं, आइए दोस्तों, इसको भी ढक दिया गया है क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया है। इधर ये बजरंग बली का मूर्ति दोस्तों, देखिए ये भी पूरा कंप्लीट हो ही गया है, बस इसको ढकने की तैयारी चल रही है देखिए। और ये तो यूनिक है भाई, दमदार। और आइए इधर की और मूर्तियाँ देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाले मूर्तियाँ, ये भी है बाल गोपाल। और वो भी मूर्ति दोस्तों देखिए, पीछे में मूर्ति कुछ और मूर्ति है, और अगल बगल में छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। और इस मूर्ति को भी ढक दिया गया क्योंकि पूरा हो गया है दोस्तों। अभी वो जो मूर्ति है निकलने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है ट्रेलर क्रेन जिसको बोलेंगे दोस्तों, इसी से इस मूर्ति को उठाया जाएगा, जो कि भव्य मूर्ति है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बांस वगैरह बंधा गया है उसको खोला जा रहा है, उसके बाद जो है मूर्ति को वहाँ से क्रेन से उठाया जाएगा। और उठा के जो है यहाँ से दोस्तों वहाँ पे जो बाहर में खड़ी ट्रेलर, उस पर बैठाया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में ये मूर्ति निकलेगा, तो वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे।